जैसे कि दोस्तों आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम नए जो कैमरा रो के जून में जो नया अपडेट आया फोटोशॉप जो उसके साथ कैमरा रो अपडेट आया है 12.3 कैमरा रो 12.3 उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या नए फीचर्स आए हैं और क्या नए नए ऑप्शंस उसमें आए हैं, उसका इंटरफेस कैसा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और आप देख रहे हैं द इमेजिंग। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कैमरा रो 12.3 कैमरा रो 12.3 में क्या क्या नए फीचर्स और जुड़ गए हैं और क्या उसका इंटरफेस चेंजेस हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों कि बिल्कुल लेआउट पूरा जो है कैमरा रो का बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक फोटो ओपन कर रखी है कैमरा रो में और भी काफी चीजें इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आज कैमरा रो के बारे में। सबसे पहला है कि यहाँ जो टूल बार आती थी वो अब यहाँ साइड में आ रही है। यहाँ से हम स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन कर सकते हैं। सेटिंग्स जो थी वो यहाँ इस तरीके से आ रही है। ये देखिए दोस्तों सेटिंग्स भी आ गई है, एडिट पैनल बिहेवियर मल्टी भी है और सिंगल भी है। नीचे जो है जूम एंड पैन यूज लाइट रूम स्टाइल, आप लाइट रूम के स्टाइल से भी इसको यूज में ले सकते हैं। और ये कीबोर्ड शॉर्टकट है यूज लेगेसी अनडू कीबोर्ड शॉर्टकट, जो पुराना जो अनडू का कीबोर्ड शॉर्टकट है वो भी आप यूज में ले सकते हैं। प्रेफरेंस में वही चीजें हैं दोस्तों, आप यूज ग्राफिक प्रोसेस आपको अगर यूज में लेना है तो आप ले सकते हैं। और कैमरा रो की जो कैशे है, जो कैशे इसकी बनती है, जो वो कितनी क्या किस तरीके से आपको बनानी है, उसका पास क्या रखना है, तो वो चीजें सेटिंग्स के अंदर हैं और ये मैंने ओके कर दिया है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ से टॉगल फुल स्क्रीन मोड, ये ऐप से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ऐप से भी हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करने से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से सेटिंग्स हैं और इसके बाद में यहाँ से है स्पॉट रिमूवल ब्रश। जैसे ही आप स्पॉट रिमूवल ब्रश को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हीलिंग और क्लोन आ गए हैं और यहाँ से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, विजुलाइज स्पॉट्स भी कर सकते हैं आप यहाँ से, जो भी यहाँ से आप करेंगे। ये देखिए विजुलाइज स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स जो है वो पूरे आपको दिख जाएंगे, विजुलाइज हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इसमें वो सारे दिख जाएंगे। तो ये विजुलाइज करने के लिए है, ये ओवरले है दोस्तों। और इसके बाद में जो सेकेंड ऑप्शन है वो है एडजस्टमेंट ब्रश का दोस्तों। ये ब्रश इस तरीके का भी ले सकते हैं आप, इस तरीके का भी और इरेजर भी। तो चलिए दोस्तों एक ब्रश का यूज यहाँ मैं करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश को चलाया, ये ब्रश हो गया। यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं आप और यहाँ से आप जो है इरेज भी कर सकते हैं जो भी आपने वर्किंग जो की है। तो मैं एक बार यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, डिलीट का बटन यूज करते हुए। बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो यूज होने के लिए जो चेंजेस हो गई हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने यू को चेंज किया। ये चीजें जो चेंज हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको ब्रश को चलाया और यहाँ से यू को चेंज किया, ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया, ये देखिए दोस्तों। और मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका फायदा ये है दोस्तों, देखिए यहाँ एक यूज फाइन एडजस्टमेंट दे दिया गया है ये जो यू है उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों ये बाकी चीजें सारी वैसी की वैसी हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। यहाँ से आप अंडू भी कर सकते हैं, अब यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, पहले रीसेट का ऑप्शन नहीं आता था इसमें। ये देखिए दोस्तों आप चेंजेस, जैसे कलर चेंज किया तो अब आप देखिए इसके साइड में फाइन यूज फाइन एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए आप कितना अच्छे से जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो कर लिया है। ये देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ इस कलर को, ये देखिए फाइन बिल्कुल एकदम अच्छे से, बहुत धीरे स्लोली स्लोली चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ से अपन यूज फाइन एडजस्टमेंट को हटा देंगे तो आप देखिए एकदम से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यूज फाइन पे क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल चेंजेस जो है वो होंगे यहाँ पे बिल्कुल फाइन। ये देखिए बिल्कुल एकदम मिक्स होता हुआ कलर जो है वो यहाँ आएगा दोस्तों फाइन पे करने से। सेचुरेशन आ गया है, शार्पनेस, नॉइस रिड्यूस, मोरे रिड्यूस भी आ गया है नया, डिफरेंस भी आ गया है नया इसमें, और रेंज मास्क भी है। तो रेंज मास्क उसमें भी था पहले, इसमें भी है। रीसेट स्लाइडर ऑटोमेटिकली, आप स्लाइडर को भी रीसेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। ये ब्रश का साइज है, ओवरले है, मास्क ऑप्शन है जो उसमें भी था, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, बिल्कुल रीसेट कर सकते हैं।
और डिलीट का बटन तो दोस्तों डिलीट है ही, मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों ग्रेडियंट फिल्टर, ये उसमें भी था ग्रेडियंट फिल्टर, लेकिन इसमें नया क्या है, नया बिल्कुल वही है, ह्यू के अंदर फाइन एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल न्यू जो है वो यहाँ कर दिया गया है। और इसी तरीके से रेडियल जो फिल्टर है उसके अंदर भी वही चीजें बिल्कुल चेंजेस जो है वो कर दी गई हैं। देखिए दोस्तों रेडियल फिल्टर में भी वही है, ह्यू के अंदर जो है वो चेंजेस कर दी गई है। इसके बाद में रेड आई है दोस्तों, रेड आई में भी वही सारा सिस्टम है रेड आई के अंदर, तो उसी तरीके से जो है रेड आई भी काम में आ रहा है। और ये है प्रीसेट्स, ये शिफ्ट पी से खुल जाएगा, ये प्रीसेट्स अब की बार जो है वो काफी चेंज कर दिया है। यहाँ से डायरेक्ट प्रीसेट आप नया बना सकते हैं, क्रिएट न्यू प्रीसेट, और आपसे यहाँ मोर प्रीसेट्स ऑप्शन जो है वो भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये इंटरफेस है इसका, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ओपन रीसेट टू डिफॉल्ट और अप्लाई और लोड सेटिंग्स और सेव सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेसिक सेटिंग्स के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या नया है। मैंने यहाँ से इमेज को छोटा कर लिया, तो सबसे पहले यहाँ ऑटो पे क्लिक करने के बाद में हम वापस ऑटो को हटा नहीं सकते थे, तो ये देखिए दोस्तों अंडू करना पड़ता था। यहाँ पे जैसे ही हमने ऑटो पे क्लिक किया तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक रियलिस्टिक जो चेंजेस थे वो कर दिए गए हैं फोटोज के अंदर। यहाँ से आप वापस ऑटो को हटा भी सकते हैं, यहाँ से आप ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करके ब्लैक एंड व्हाइट कर भी सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट को हटा भी सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर्स प्रोफाइल है तो आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं कौन कौन सी कलर की प्रोफाइल हैं। जैसे बेसिक में ये आ गई है, आर्टिस्टिक में ये आ गई है, तो ये काफी सारी कलर प्रोफाइल्स भी जो है वो नई है इसके अंदर। आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी नई है बिल्कुल, जो आपने पहले यूज में नहीं ली होंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से बैक बटन आ गया है दोस्तों, यहाँ से बैक जा सकते हैं पैनल पे। इसके बाद में दोस्तों आर्टिस्टिक फोर का जो अमाउंट है वो आप कितना रखना चाहते हैं ये देखिए दोस्तों, अमाउंट में भी चेंजेस आप जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ दोस्तों वापस से नॉर्मल, तो ऑटो पे करने से बिल्कुल बहुत अच्छा फाइन हो गया है। और चेंजेस जो है वो हम देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, अपने हिसाब से चेंजेस जो है वो कर लिए हैं। और दोस्तों नई चीज एक और आई है, जो वो आई है यहाँ पे आई, ये आई का जो आइकन है यहाँ आ गया है, आंख का जो आइकन है यहाँ से आप बिल्कुल आंख पे क्लिक करके रखेंगे तो ये बिल्कुल हटा देगा, ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये चीज नहीं आई है, और वो बिल्कुल व्हाइट बैलेंस वैसा ही है, आपने व्हाइट बैलेंस यहाँ से सेट करना है, यहाँ पे व्हाइट बैलेंस सेट किया है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप वापस से बंद करके देख सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, अंडू करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर्व के अंदर भी सब चीजों में वही चीज आ गई है, कलर्स के जो ऑप्शंस थे वो यहाँ से अलग अलग आ गए हैं। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं पॉइंट कर्व, यहाँ पे रेड चैनल को कर्व को कर सकते हैं, ग्रीन को इस तरीके से अलग अलग दे दिया। आप यहाँ से टारगेटेड जो एडजस्टमेंट है दोस्तों, सॉरी टारगेटेड एडजस्टमेंट जो है वो भी आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए देखिए टारगेटेड जो है वो उसके हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए दोस्तों ये टारगेटेड हो गया। देखिए टारगेटेड टारगेटेड को डार्क करना है तो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दे दिया है अब टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल का यहाँ से, तो मैं अंडू कर देता हूँ एक बार, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे फर्क नजर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कर्व में भी कर सकते हैं, उसके बाद में डिटेल्स में भी इसी तरीके से आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से शार्पनिंग आपने कर दी है और इसकी डिटेलिंग आपने देखनी है तो यहाँ से आप जो है वो डिटेलिंग बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितना क्या किया है, शार्पनेस कितनी है, रेडियस कितना है, वो आप यहाँ से एरो के की पे क्लिक करके इसी तरीके से नॉइस रेड्यूस में, कलर नॉइस रेड्यूस में भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में है दोस्तों कलर मिक्सर, कलर मिक्सर में भी काफी चीजें हैं जो वो चेंज कर दी गई हैं। ये नॉर्मल वाला जो हमारा पहले था वो है, और ये कलर्स के हिसाब से हो गया है दोस्तों। यहाँ कलर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये कलर्स के हिसाब से चेंजेस हो गया, ये देखिए दोस्तों कलर के हिसाब से हो गया। जैसे रेड कलर के अंदर हमने कुछ चेंज करना है तो ये सिर्फ रेड कलर में ही चेंजेस होगा, अभी हमें ऑरेंज में कुछ चेंजेस करना है तो ये ऑरेंज में ही चेंजेस होगा, जैसे यहाँ ऑरेंज था यहाँ रेड था, इस तरीके से कलर में है। HSL तो पहले आप जानते थे ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस, अब ये कलर आ गया है नया ऑप्शन इसमें, तो यहाँ से आप ल्यूमिनस
जो है वो भी कम कर सकते हैं और सेचुरेशन जो है वो भी यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप नए इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटोज के लिए। अब आता है दोस्तों इसके बाद में स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग कैसे यूज में लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक बार इन सबको बंद कर देता हूँ, कलर मिक्सर को भी मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, अल्ट का यूज करेंगे तो यहाँ रीसेट कलर मिक्सर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजें रीसेट हो जाएंगी। अल्ट का यूज करते ही सब चीजों पे रीसेट जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप अल्ट दबाएंगे कीबोर्ड का तो रीसेट डिटेल, रीसेट कर्व, रीसेट बेसिक, सब पे रीसेट लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही अल्ट को छोड़ेंगे तो वापस वही नाम आ जाएगा। स्प्लिट टोनिंग, स्प्लिट टोनिंग में क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ हाईलाइट कलर कुछ है, जैसे ये हाईलाइट कलर है, हाईलाइट कलर्स में आपको सेचुरेशन बढ़ा देनी है। जैसे ये हाईलाइट कलर में मैंने सेचुरेशन बढ़ा दी है तो जहां जहां हाईलाइट कलर्स हैं वहां वहां आपकी टोनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां से आप बैलेंस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, कलर का बैलेंस कितना रखना है, कितना कलर आप डालना चाहते हैं। इसी तरीके से आप शेडो में भी कर सकते हैं। जैसे कि शेडो में ये सेचुरेशन बढ़ा दी रेड, और ये देखिए दोस्तों जो जो शेडो एरिया था उसमें चेंजेस हो गए हैं। इस तरीके से आप स्प्लिट टोनिंग से भी कलर इफेक्ट्स नए बना सकते हैं। इसे मैं रीसेट कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है ऑप्टिक्स। ये सेम वैसा ही है, ऑप्टिक्स का ऑप्शन जो है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जूम कम कर दिया है, डिस्टोरेशन कर दिया है इसको, और ये जो है डिस्टोरेशन जो है वो कम हो रहा है। इस तरीके से विंटेज इफेक्ट जो है वो भी आप यहां से लगा सकते हैं। विंटेज, ये देखिए दोस्तों, और विंटेज इफेक्ट के अंदर भी आप यहां से इधर की तरफ करेंगे माइनस में तो ब्लैक लगेगा और यहां लगेगा व्हाइट। आप चेंजेस भी कर सकते हैं यहां से, मिड पॉइंट कहां होना चाहिए उसकी भी आप चेंजेस कर सकते हैं। डिफरेंस, आप डिफरेंस का यूज भी ले सकते हैं। डिफरेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। यहां से आप सैंपल जैसे ले लिया आपने, यहां से ये हमें बता रहा है कि क्लिक आउटसाइड द सपोर्टेड डिफरेंस कलर रेंज, प्लीज क्लिक ऑन अनदर कलर। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे अनदर कलर पे जो है क्लिक कर लिया है। पर्पल का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ग्रीन का अमाउंट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अच्छे से ग्रीन ह्यू है उसे भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, और पर्पल के ह्यू को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये कैमरे की जो सेटिंग्स होती है उसके साथ वर्किंग ये जो करता है। तो इसको भी मैं रीसेट कर देता हूं दोस्तों। इसके बाद में ज्योमेट्री है दोस्तों। ये अगर आपकी कोई लाइनिंग्स या टेक्स्ट आड़े टेढ़े हैं या आपने कुछ स्कैन किया है तो उसको सीधा करने के बिल्कुल यूज में ले सकते हैं आप दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों इफेक्ट्स, ये ग्रेन्स इफेक्ट है, ये देखिए दोस्तों ग्रेन्स आ जाएंगे, ये देखिए ग्रेन्स आ गए। और ये है विंटेज इफेक्ट, ये विंटेज आ गया, ये देखिए दोस्तों। इनकी सेटिंग्स जो है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से एरो पे क्लिक करके, और नेक्स्ट सेटिंग्स जो है ओपन हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप इफेक्ट्स को, ये कैलिब्रेशन है दोस्तों, इसका भी यूज आप करते रहते हैं। और इधर ये हैंड टूल दे दिया है दोस्तों इन्होंने, ये देखिए हैंड टूल से आप मूव कर सकते हैं। ये कलर पिकर टूल है, यहाँ से भी आप जो है यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये ग्रिड टूल है दोस्तों, ग्रिड भी आ गई है, ग्रिड का साइज भी आप चेंज करके देख सकते हैं, और ओपेसिटी भी अगर ग्रिड की कम करनी है तो वो भी आप करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, ग्रिड, सैंपल। और इसके बाद में दोस्तों अगर आप यूज करते हैं कि आपको यूज करना है कि आपने 3 से 4 इमेजेस जो है वो ओपन करनी है बिल्कुल एक साथ, तो उसमें भी आपको नया ऑप्शन मिलेगा एक। मैं यहां से इसको ओके कर देता हूं दोस्तों, और मैं ओपन करता हूं 3 से 4 रो की इमेजेस या फिर जेपीजी इमेजेस जो भी है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से मेरी जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये पर्सनल इमेजेस हैं वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये इमेज और ये इमेज, ये 3 इमेज मैंने यहाँ से ओपन कर लिए। ये जेपीजी इमेजेस हैं, ये कैमरा रूम में डायरेक्टली ओपन होंगी क्योंकि मैंने सेटिंग्स चेंज कर रखी हैं। काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने बना रखे हैं सेटिंग्स के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये फिल्म स्ट्रिप अब इधर आ रही है,
पहले यहाँ फिल्म स्ट्रिप आती थी, अभी ये फिल्म स्ट्रिप यहाँ आ रही है। आप देखिए इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से चेंजिंग भी हो गई है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी चेंजेस हो गई है, ये हाफ टोन है। ये देखिए आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको चेंज, जो सेटिंग्स आपने कर रखी हैं पहले। ये देखिए यहाँ से आप, आपको अगर ये फिल्म स्ट्रिप नीचे दिखानी है तो आप दिखा भी सकते हैं। और यहाँ से आप अगर क्लिक करके रखते हैं यहाँ पे, तो आप तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हैं फिल्म स्ट्रिप को। जैसे ये वर्टिकल हो गई है और ये हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो ये चेंजेस भी आप कर सकते हैं। शो फाइल नेम, फाइल नेम का नाम अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको यहाँ से शो रेटिंग एंड कलर लेवल्स, रेटिंग और कलर लेवल्स जो हैं वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये जो नए फीचर्स कैमरा रो में आए हैं, ये आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप देख सकें सबसे पहले मेरे वीडियोस को। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।